हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में इनइफेक्टिव कोपिंग का या नर्सिंग केयर प्लान लर्न करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केयर प्लान और आप इस केयर प्लान को कहीं भी यूज कर सकते हो। मीन्स मैन किसी भी क्रोनिक इलनेसेस में आप नर्सिंग केयर प्लान को बनाओगे तो आप इस केयर प्लान को वहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इनइफेक्टिव कोपिंग नर्सिंग केयर प्लान। इनइफेक्टिव कोपिंग नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस, स्टेप, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल एवेल्यूशन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में। सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट वर्बलाइज इनएबिलिटी टू कोप और आस्क फॉर हेल्प। मीन्स ड्यू टू क्रिटिकल इलनेस पेशेंट अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, होपलेस हो रहा है और वो एक तरह से डॉक्टर नर्स उससे पूछना चाह रहा है बीमारी के बारे में। तो ये सारी चीज़ हमको पेशेंट बता रहा है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है और वो सहायता चाहता है कि जिससे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो ये सब्जेक्टिव डाटा हम लिखना है। ऑब्जेक्टिव डाटा में डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स सेल्फ, ओवरईटिंग, लैक ऑफ एपेटाइट, क्रॉनिक फैटिक, इंसोम्निया, मस्कुलर टेंशन, फ्रीक्वेंट हेड नेक क्रॉनिक वेरी इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, इमोशनल टेंशन, डिप्रेशन। असेस इंडिविजुअल स्ट्रेस, फैमिली, सोशल वर्क एनवायरनमेंट, लाइफ चेंजेस और हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो ये सारे हमको यहाँ ऑब्जर्वेशनल डाटा मीन्स ऑब्जेक्टिव डाटा देखना है कि मीन्स जो पेशेंट का बिहेवियर है, उसका लिविंग पैटर्न है, उसकी एक्टिविटी है, सारी चीज़ हमको यहाँ ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखनी है। आफ्टर असेसमेंट ऑफ दिस डाटा वी राइट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा या नर्सिंग डायग्नोसिस दैट इज इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू सिचुएशनल क्राइसिस एंड इनएडिक्वेट कोपिंग मेथड्स। तो ये हमारे ये नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, मीन्स इनएडिक्वेट कोपिंग मेथड्स और जो कोपिंग पेशेंट का वो इनइफेक्टिव है, मीन्स पेशेंट होपलेस हो रहा है। तो हमको यहाँ ये डायग्नोसिस में यहाँ लिखना है कि इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू सिचुएशनल क्राइसिस एंड इनएडिक्वेट कोपिंग मेथड्स। इसका गोल होगा यहाँ पर देखते हैं, टू मेंटेन इफेक्टिव कोपिंग नर्सिंग इंटरवेंशन एंड ट्रेशनल। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट इंटरवेंशन, असिस द पेशेंट इन आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स एंड पॉसिबल प्लान फॉर कोपिंग विद देम। मीन्स जो भी पेशेंट का स्ट्रेसर्स है, जो उसका एक तरह से एंजाइटी इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है, उनको हमको असेस करना है और ये हमको पॉसिबल प्लान करने की किस तरह से हम इनको उन पर कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ ऑपरेशनल का रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रेसर्स इज द फर्स्ट स्टेप इन अल्टरिंग वंस रेस्पॉन्स टू स्ट्रेसर्स। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं यहाँ पर, एनकरेज द पेशेंट टू इंक्लूड इन केयर प्लानिंग एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन ट्रीटमेंट प्लान। रेशनल होगा नंबर सेकेंड, इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड्स द पेशेंट विद एन ऑनगोइंग सेंस ऑफ कंट्रोल, इम्प्रूव्स कॉपिंग स्किल एंड एनहेंस कोऑपरेशन विद द थेरेप्यूटिक रेजिमेंस। मीन्स जो भी ट्रीटमेंट प्लान है उसमें पेशेंट को बताना है, पार्टिसिपेट करना है, जिससे कि वो सारा ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में जान सके, उसका स्ट्रेस एंजाइटी दूर हो सके और एक तरह से वो इसका सेंस ऑफ कंट्रोल रिलेटेड टू सिचुएशनल क्राइसिस ठीक से कोपिंग मेथड्स का वो यूज कर सके। नेक्स्ट नंबर थर्ड देखते हैं, एनकरेज द पेशेंट टू इवैल्यूएट लाइफ प्रायोरिटीज एंड गोल्स। रेशनल होगा, फोकसेस पेशेंट्स अटेंशन ऑन द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन रिलेटिव टू पेशेंट्स व्यू ऑफ व्हाट इज वांटेड। मीन्स जो भी पेशेंट का फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, प्रायोरिटीज है, वो हमको यहाँ पर पेशेंट को एनकरेज करना है कि उनके बारे में वो एक तरह से इवैल्यूएट करें। नेक्स्ट नंबर फोर्थ, असिस्ट द पेशेंट इन आइडेंटिफाई एंड बीइंग प्लानिंग फॉर नेसेसरी लाइफ स्टाइल चेंज, असिस्ट इन एडजस्टमेंट रदर देन अबैंडन
पर्सनल फैमिली गोल्स। इस पेशेंट का सहायता करना है कि मिस वो किस तरह से अपने आप को, जो भी उसके लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करे, किससे वो पार्टिसिपेट हो अपनी डेली लिविंग में, होपलेस नहीं हो। तो यहाँ इसका रीजन होगा, नेसेसरी चेंजेस शुड बी रियलिस्टिकली प्रायोरिटाइज सो पेशेंट कैन अवॉइड बींग ओवरवेलम्ड एंड फीलिंग पावरलेस। फिफ्थ नंबर का होगा इंटरवेंशन, अलाउ द क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, जो भी उसकी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करे, जो भी वो सोच रहा है। यहाँ पर रिश्ल होगा फीलिंग एक्सप्रेशन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनजाइटी, जो भी स्ट्रेस और एनजाइटी वो अपनी फीलिंग्स है, जो भी उसके विचार आ रहे हैं उनको एक्सप्रेस करेगा, तो वो सारे एनजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे। नंबर सिक्स, एनकरेज फॉर एक्टिविटी एज पर टॉलरेंस लेवल, मीन्स पेशेंट को हमको जो क्रॉनिकल है, परेशान है, उसको ज़्यादा हमको इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, मीन्स उसको हमको एवर एक्टिव नहीं करना है, जितना पेशेंट टॉलरेट कर सके उतना ही उनको एक्टिविटी करना है। ऑपरेशन लोगों को एक्टिविटी रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनजाइटी। नंबर सेवन, मोटिवेट क्लाइंट टू पॉजिटिव थॉट्स, मीन्स अच्छे विचारों के बारे में सोचें। ऑपरेशन लोगों टू प्रोवाइड मीटिंग साइकोलॉजिकल नीड्स, मीन्स पॉजिटिव थॉट एक तरह से पेशेंट को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नेक्स्ट, एनकरेज द क्लाइंट डूइंग योगा मेडिटेशन थेरेपी, योगा मेडिटेशन थेरेपी का रेशन होगा दिस प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। योगा और मेडिटेशन थेरेपी पेशेंट की स्ट्रेस और एनजाइटी को रिड्यूस करेगी और पेशेंट कंफर्ट फील करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे डिफरेंट इंटरवेंशंस। आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट हियर द एवेल्यूशन स्टेप्स। तो यहाँ पर एवेल्यूशन होगा मेंटेन इफेक्टिव कोपिंग, मीन्स जो हमारा गोल था टू मेंटेन इफेक्टिव कोपिंग हमने अचीव किया है थ्रू दीज इंटरवेंशंस, ये सारे इंटरवेंशंस हमने प्रोवाइड किया है। उसके बाद जो पेशेंट है पहले से अच्छा है, होपलेस नहीं है, और अपने आप को एक तरह से जो भी सिचुएशनल क्राइसिस है उससे कोप कर रहा है, मीन्स अपने आप को संभाल पा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स इनइफेक्टिव कोपिंग नर्सिंग केयर प्लान। तो फ्रेंड्स, आपको केयर प्लान कैसा लगा, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यर अन नर्सिंग फाइल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।